घर में रहने वाले लोग कई प्रकार के समस्या से परेशान हो जाते हैं। कभी धन की कमी, कभी कोई बीमार, विविध प्रकार की समस्याएं एक परिवार में आता है। तब हम सोचते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जिसको करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। देखो, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है घर के संपूर्ण लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो क्या करना चाहिए? देखिए, हमें भी करना चाहिए गणेश जी की तस्वीर घर के प्रमुख द्वार पर आप लगा दें। गणेश जी की तस्वीर प्रमुख दरवाजे पर अगर आप लगाते हैं तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। घर के दरवाजे पर कौन से गणेश जी का फोटो लगाएं, कैसे गणेश जी का तस्वीर लगाएं, क्योंकि तस्वीर ऐसा आता है, गणेश जी का जो सुड़ होता है एक बाएं तरफ घुमा होता है और एक बाएं तरफ घुमा होता है और एक दाएं तरफ भी घुमा होता है। तो कैसा वाला तस्वीर हमें दरवाजे पर लगाना चाहिए। और याद रखिए कि गणेश जी की तस्वीर जब भी आप दरवाजे पर लगाओगे ना, तो गणेश जी का जो पीठ भाग है वो बाहर की ओर हो। जब आप भीतर से बाहर निकल रहे हो तो आप भीतर से बाहर निकल रहे हो तो गणेश जी की तस्वीर आप अंदर से दर्शन कर सको, इस प्रकार से गणेश जी की तस्वीर लगाएं। और जो द्वार पर दरवाजे पर गणेश जी की तस्वीर आप लगाते हैं, उनका जो सूंड है बाएं की ओर घुमा होना चाहिए, ठीक है। और यदि पूजा मंदिर में, घर के पूजा स्थल में गणेश जी की आप विग्रह रख रहे हैं, तस्वीर रख रहे हैं, उनका सूंड दाएं की ओर हो तो अत्यंत लाभदायक है। तो प्यारे, जिस घर में रोज गणेश जी की सेवा होता हो उस घर में रिद्धि और सिद्धि का कमी नहीं होगा। देखिए, गणेश जी की सेवा करने की कई प्रकार के नियम हैं। अगर हो सके तो गणेश जी के 108 नाम से आप दुर्वा अर्पण कर सकते हैं। नहीं हो सका तो गणेश जी के कम 12 नाम को उच्चारण करके, 12 नाम उच्चारण करके आप रोज़ पूजन करते हैं या फिर दुर्वा समर्पित करते हैं तो ऐसे घर में पितृदोष कभी नहीं लगता और ऐसे घर में दरिद्रता आ ही नहीं सकती, क्योंकि इस घर में तो रिद्धि सिद्धि प्रवेश कर गई गणेश जी के साथ में, इसलिए इस घर में दरिद्रता आ ही नहीं सकती। और कुछ और बात भी ध्यान दीजिए, गणेश जी की तस्वीर को अगर आप द्वार पर लगाते हैं तो आपके घर में कभी चोरी नहीं हो सकती, आपके घर के ताले नहीं टूट सकते, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी आपके घर के रक्षक बन के विराजमान हो गए। जिस घर में गणेश जी का सेवा किया जाता हो, जिस घर में गणेश जी का आराधना किया जाता हो, उस घर में अमंगल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगलकारी विनायक जी हैं, गणेश जी आपके घर में विराजमान हैं। और द्वार पर, दरवाजे पर ऐसा कौन सी चीज़ और हम रख सकते, लगा सकते हैं, बना सकते हैं, जिसके कारण से हमारे घर में हमेशा समृद्धि ही प्रवेश करे, हमेशा लक्ष्मी ही प्रवेश करे? तो ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। आप ये तो सबको पता है, कहने की बात नहीं, अपने घर में रोज़ दरवाजे पर पानी से धोया करो और उसके बाद में दोनों तरफ स्वस्तिक चिन्ह अगर आप बनाते हो तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर ही नहीं सकती। घर के दरवाजे पर स्वस्तिक का चिन्ह हो, आजकल तो बाजार में भी स्वस्तिक का स्टिकर आता है, उसको आप लगा सकते हैं, या फिर घी में सिंदूर मिला करके अगर आप स्वस्तिक दरवाजे पर बनाते हो तो वो फिर छूटता नहीं है, वो बहुत बढ़िया लगता है। तो स्वस्तिक जरूर बनाएं, दरवाजे पर शुभ लाभ भी आप लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, बाधाएं दूर हो जाएंगी। आप अपने मुख्य द्वार पर ये कुछ चीज़ें जैसे हमने निवेदन किया वो लगा दीजिए, हमेशा मंगल ही मंगल होगा।